आशीष जी, इसमें बच्चा हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। जो आपने इसमें लिखा है उसके लिए तो आपको ही सावधान होना पड़ेगा, पहले ही विचार करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है, आपके स्वार्थ और परमार्थ दोनों के लिए। आप इसकी कमी को खुद जान रहे हैं कि आपको कितना परेशानी हो रही, तो आपको पहली बात कसम खाना होगा, दृढ़ निश्चय करना होगा, मैं किसी भी तरह से वो क्रिया नहीं करूंगा, समझ रहे ना। और दूसरी बात, ऐसा दृश्य, ऐसे लोगों से वार्ता, ऐसा संग जो हमारी उस क्रिया को करने के लिए प्रोत्साहन दे, वो छोड़ना होगा। तीसरी बात, हमारा भोजन सात्विक हो, भोजन सत्वगुणी हो, बहुत मिर्च मसाला मांस और ये सब जो गंदे चीज, इससे फिर आप नहीं उबर नहीं पाएंगे इसमें जो आपने लिखा है। और फिर आखिरी बात यह है कि किसी आयुर्वेदिक अच्छे वैद्य से मिलकर पुष्टता की औषधि लीजिए, जो आपकी धातु पुष्टता करे उसकी औषधि लीजिए, संयम से रहिए। कई महीने तक आपको बिना किसी चेष्टा के दोष दिखाई देगा, बिना किसी चेष्टा के पात भी दिखाई देगा, धातुपात होना। आप घबराना नहीं, अगर संयम से चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, नहीं तो इससे मानसिकता बिगड़ती चली जाए। आप खुद देख रहे हो क्या अनुभव हो रहा है ना। तो अब हमें तो बच्चा आयुर्वेद का ज्ञान है नहीं जी। तो किसी आयुर्वेद से मिलिए, थोड़ा प्राणायाम व्यायाम दौड़ भाग कीजिए शरीर को, और वो गंदी क्रिया बंद कर दीजिए, बहुत हानिकारक गंदी क्रिया है, ठीक है। और धैर्य, थोड़ा उत्साहित होइए, निरुत्साहित पुरुष आगे नहीं बढ़ पाता, चाहे स्वार्थ हो या परमार्थ हो, तो उत्साह संपन्न बनिए, आप पुनः वैसे ही ठीक हो जाएंगे, पुनः मानसिकता ठीक हो जाएगी। पहले वृंदावन में तुम एक नियम लो कि मैं वो क्रिया नहीं करूंगा। गुरु जी, मैं इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ जी। मतलब मेरे मन में, मतलब एक तरह से इतने करोड़ों अरबों खरबों चिंताएं, मतलब मुझे परेशान करती रहती हैं। इसलिए चिंताएं परेशान करती हैं कि आपकी जो धातु आपको पुष्ट करने वाली वो नष्ट हो चुकी है जी। जो आंतरिक आपको मेधा शक्ति उसे कहते हैं, जो हमारी बहुत सी चिंताओं से हमको मुक्त करती है, वो बलवान मेधा शक्ति होती है। एक मिनट में काट के शीतल कर, अब मेधा शक्ति बलवान है नहीं, तो सब चिंताओं को लिए बार बार आपको क्लेश पैदा करती रहती है। ये जो ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं ना, उनकी मेधा शक्ति क्षीण हो जाती है, उनकी स्मृति शक्ति क्षीण हो जाती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, दिमाग में ज्यादा मतलब बल लगाने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। अगर बार बार कोई प्रश्न उत्तर करे तो एकदम, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा है गुरु जी, मेरी आंखों की रोशनी भी कम हो गई, बाल भी सफेद। वैसे हमने उसमें उस एपिसोड में वर्णन किया है कि ये सब लक्षण उसके अंदर आ जाए, और ये सब आप लोगों के सुख के लिए ही वर्णन किया है जी। यद्यपि इन विषयों पर चर्चा गुप्त रूप से की जाती है, पर हम प्रकाशित रूप से इसी से किया कि आज हमारी नई समाज जो है, क्योंकि हम तो जानते नहीं है, जब हम पढ़ रहे थे तो ऐसा था नहीं, लेकिन नए नए बच्चे जो हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि हमारे क्लास में इन बातों का चैप्टर डाल दिया गया है। अब हमारे समय में तो रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, हमारे समय में तो ये चैप्टर थे नहीं। आज जो चैप्टर पर, अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीर नाश करना शुरू कर दिया, अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा कि हमें संयम से रहना है। अपने लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए सावधान। गुरुजी, जो ये लगभग 22 साल की जो मतलब सारी मतलब शक्ति जो नष्ट हो गई है जी, वो आयुर्वेद की दवाइयां खाके, और दवाई से नहीं होगा बच्चा, दवाई तो हम सपोर्ट के लिए कह रहे हैं आपको, संयम से पुनः हो जाएगा जी। अगर मैं संयम पूरी तरह से रख बिल्कुल लूंगा तो, हाँ बिल्कुल, आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा, 6 महीना लग सकते हैं, लेकिन धैर्य रखना, उत्साहित रहना, और इसके साथ नाम जप जरूर बच्चा करना। ये नाम जप अगर नहीं होगा तो क्या है कि हमें ठीक होने के लिए आवश्यक है चिंतन बदलना जी। जैसे हम बढ़िया दवाई ले रहे हैं, प्राणायाम व्यायाम भी कर रहे हैं, उचित भोजन पा रहे हैं, और हम कुसंग भी नहीं कर रहे,
कोई क्रिया भी नहीं कर रहे, लेकिन हमारा चिंतन गलत है, गंदा चिंतन है, तो फिर ब्रह्मचर्य रोक पाना बड़ा कठिन हो जाएगा। ब्रह्मचर्य रोकने के लिए आवश्यक मुख्य बात है कि हमारा चिंतन बदले। तो नाम जब थोड़ा करें, कोई नाम जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण हरि राधा, जो भी आपको प्रिय लगे, 10 मिनट 20 मिनट अभ्यास करो नाम जप का। गुरुजी मैंने इसको कई बार रोकने की कोशिश भी की थी, मैंने 3-3.5 महीने इसको रोका भी था, लेकिन मुझे एक चिंता बार बार खाती है, बार बार परेशान करती है। मतलब जैसे जो मेरे पापा जी हैं, तो जब मैं इस काम को जब करता था तो लास्ट में मेरे पापा जी का मतलब माइंड में एकदम फोटो आ जाता था, तो मुझे बड़ा दुख सा होता था कि मतलब इतना गलत काम, और मेरे मतलब मैं लाता भी नहीं था, वो ऑटोमेटिकली मतलब फोटो आ जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं। आप इसमें समस्या क्या, रोकने में क्या समस्या, हमें बताइए। आप कहते हो कि मैं रोक सकता हूँ, रोक लिया, लेकिन क्या समस्या? लेकिन समस्या गुरुजी ये आ रही है कि जो मेरे पापा का फोटो बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पापा को बहुत पीछे छोड़ दिया। और ये सब मनी राम की चालें, बहुत इधर उधर मत भटको, सीधे चलो। अच्छा, रोकने पर स्वाभाविक जैसे धातु पात हो जाए तो उसमें चिंता मत करना, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कोई क्रिया मत करना और धीरे धीरे ठीक, बिल्कुल गंभीर रहो। एक छोटी सी बात और, जब कहना तो नहीं चाह रहा, लेकिन जो चीज़ें कहनी पड़ेगी, माइंड में ये चीज़ आती कि हर किसी को मतलब एक हर किसी को एक्सपायर होना है, तो बच्चा प्रतिपल मरमर के क्यों एक्सपायर हो जी? मरमर के क्यों मरे? अरे एक बार मरना, तुम तो प्रतिपल मर रहे हो बच्चा, हम प्रतिपल मृत्यु से बचाना चाहते हैं। एक बार जब शरीर छूटना होगा तब छूटेगा, लेकिन जब तक, अब गाड़ी का एक्सीडेंट होना ही है कभी ना कभी, तो हथौड़ा ले और अभी उसे तोड़ करके खड़ी कर दो तो खत्म यात्रा। अरे जब होना होगा तब होगा, जब तक नहीं हो रहा तब तक तो हम अपनी यात्रा तय कर रहे हैं ना। आप प्रसन्न रहिए और जो चिंतन आता है निगेटिव नकारात्मक, उसे छोड़ते रहिए। कुछ दिन थोड़ा ब्रह्मचर्य से रहोगे तो शीतलता आने लगेगी, आपको खुद अंदर से उपदेश होने लगेगा, खूब अच्छा लगने लगेगा, आप सत्मार्ग में चलने लगेंगे, ठीक है ना? आप जैसा कहा वैसा ध्यान दीजिए और किसी आयुर्वेदिक वैद्य से मिल करके धातु पुष्टता की औषधि ले लीजिए, ये उसी को दे।